क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छा है। अली रामदानी सच टीवी जी। अली जी, हमारा एक सवाल है कि यूटिलिटी स्टोर के जो है ना 7,000 मुलाजमीन पिछले 10 साल से डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं, क्या आप उनको परमानेंट करने के हवाले से पीएम साहब से कुछ बात वगैरह करेंगे इस हवाले से? देखिए अली, सच टीवी से और है भी सच, तो देखिए जहाँ पे माइनस में एक इदारा जा रहा हो सही, वो 10 अरब से लेकर 12 अरब तक जो है वो नुकसान कर रहा हो और वो इदारा अब माशाल्लाह अपने पैर पे खड़ा हो जाए और 100 अरब तक की उसकी सेल शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेहनत कर रहे हैं। तो 7 साल से या 5 साल से जो भी वहाँ पे खड़े हैं, इसका मतलब है कि उनके जो मुलाजमीन हैं उनके लिए अब गुंजाइश है कि उनकी जो जॉब की अपग्रेडेशन भी हो सकती है, पक्के भी हो सकते हैं। मेहनत इंशाल्लाह मजीद करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा कि पक्के कर देंगे और हम आपकी जो अपील है वो भी इनके मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे। आप सबको यकीन दिलाने करा रहे हैं कि ये जो ना मुतमईन हो जाए, इंशाल्लाह ये मजीद अच्छी सेल करेंगे तो खुद ब खुद पक्के हो जाएंगे। माशाल्लाह देखिए ना, बात तो यही होती है ना कि एम्प्लॉयज जब इंटरेस्ट लेते हैं वो अपने इदारे की इज्जत करते हैं, अपने इदारे में ईमानदारी करते हैं, तो इसी वजह से तो इदारा काम करता है, बढ़ता है। और फिर उनको ये भी पता हो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो ऊपर बैठा है वो ना चोरी करता है ना चोरी करने देता है, तो जब ऊपर के हुक्मरान ठीक हो तो नीचे फिर खुद ब खुद आम आवाम भी ठीक होती है। वैसे आवाम तो हमारे खैर हमेशा से बहुत अच्छी है, कभी हुक्मरानों ने कुर्बानियाँ नहीं दी, हुक्मरान पहली दफ़ा कुर्बानी आवाम के साथ दे रहे हैं।